हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डूडल की रसोई। और आज मैं मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ काले चने का चोखा, जो कि बिल्कुल ही देहाती स्टाइल में बनने वाला है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इस चोखे को बनाने के लिए मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। तो यहाँ मैंने लिया हुआ है 1 कटोरी काला चना, इसे मैंने सारी रात पानी में भिगो कर रखा था और सुबह कुकर में उबाल लिया हुआ है। इस चोखे में डालने के लिए मैंने लिया हुआ है यहाँ 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 4 से 5 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद के अनुसार और 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल। अभी हमें करना क्या है, इस उबाले हुए चने को मैं इस मिक्सर की जार में डालकर इसे पीस लेती हूँ। तो ये मेरे चने पिस चुके हैं। इसे मैं इस प्लेट में डाल लेती हूं। एक्चुअली इस चने को उबालते वक्त मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला हुआ था, इसीलिए अभी उसी अंदाज से मुझे इसमें नमक ऐड करना है, प्याज, लहसुन और मिर्ची। इन सब चीजों को डालकर तेल भी डाल लेती हूं। अब इन सब चीजों को डालकर हमें अपने हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने इसमें कच्चे तेल का यूज किया है, अगर आप चाहे तो तेल में जीरा, मिर्ची, लहसुन और प्याज का तड़का देकर उस तड़के को भी डाल सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये सिंपल सी चोखे की जो रेसिपी है वो पसंद आई होगी, क्योंकि आपने देखा ना, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही कम टाइम में ये टेस्टी सा चोखा तैयार हो गया है। और यकीन मानिए कि आप भी इसे जब टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि इसे एक बार अपनी रसोई में जरूर बनाएं। तो मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आने तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।